तो आज हो ही जाए, आज जी भर कर आप लोगों को अटलांटिक स्टेशन AKA USA दिखाया जाए। What's up guys? तो आज का अपडेट ये है कि हम आज इटर्नल्स देखने जा रहे हैं और मैं तैयार होता हूँ और फिर आपसे तैयार होकर मिलता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितना ब्लॉग कर पाऊँगा, बट जितना हो पाएगा मैं आपको जरूर दिखाऊँगा। तो मैं अभी तैयार होता हूँ। ओके, नाउ जैकेट इज हियर। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, आज हमने लगाया है ये अरमानी का परफ्यूम। यू नो ये मेरे एक फ्रेंड का है, उसने मेरे को दिया है। तो यू नो बड़े बड़े दोस्तों के बड़ी बड़ी चीज़ों को इस्तेमाल करने में अच्छा लग रहा है। तो पहली बार इतना महंगा कोई परफ्यूम मैंने यूज़ किया है, तो इसलिए दिखाना तो बनता है। ऑब्वियसली ये शो ऑफ नहीं है क्योंकि मेरे खुद का है तो है नहीं। तो गाइस अभी मैं लंच कर तो आ चुका हूँ, बट मेरा दोस्त टाइम पे नहीं है, वो आधा घंटा लेट हो चुका है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, कोई टाइम पे आता ही नहीं है यार, क्या करूँ मैं। यूएस में मैंने ये नई चीज़ देखी कि अगर थिएटर में आप जाके पॉपकॉर्न लेते हैं और अगर आपको एक्स्ट्रा कैरमल या बटर चाहिए तो आप इस तरीके से डिस्पेंसर से ले सकते हैं एक्स्ट्रा टॉपिंग्स। जस्ट टेक द पॉपकॉर्न्स। To keep our bodies regenerating. The bracelets, in theory, shut down our regeneration process. And once that happens, our bodies accumulate extra cosmic energy. What for? Well, the deviants can absorb. So guys, movie तो मैंने देख ली और मैं अब जा रहा हूँ टारगेट, कुछ शॉपिंग करनी है मम्मी की इंडिया ले जाने के लिए। और उसके बाद तो इसलिए जूलियन जो है वो अपने रास्ते चल चुका है घर की तरफ और उसको नहीं आना था अभी टारगेट, सब काम है कुछ। तो मैं जा रहा हूँ टारगेट। अब मूवी क्या थी ना कि मूवी एक डिफरेंट टेक थी मार्वल की उसकी यूजुअल टेक से। तो
थोड़ी अलग थी, अच्छी थी, मेरे को तो अच्छी लगी, कुछ को अच्छी नहीं लगी, कुछ को ठीक ठीक लगी। अब जैसा कि देख सकते हैं अब टारगेट आ चुका हूँ मैं, लोगों से समझ आ गया होगा। फाइनली मंजिल के करीब पहुंच ही गए। वो बिल्डिंग दिख रही है आपको, वो वाली, दैट इज कैड, बस पहुंचने वाले। और मैंने ठंड के बारे में तो बताया ही नहीं आपको, तो 2 डिग्री हो रहे हैं एवरेज में, अभी 3 डिग्री है बट 2 डिग्री होने वाले हैं, चल 3 डिग्री ले लो, तो अभी 3 डिग्री हो रहे। अब हम पहुंच गए अपने रूम में, सही जगह में, ये वर्क स्टेशन में मतलब। और अब हम खाएंगे वो खाना जो हमने पैक करा दिया था ऑब्वियसली। अब मन कर रहा है खाने का, तब नहीं मन कर रहा था, पता नहीं क्या है, इंसानी दिमाग ही मेरा अजीब सा है। तो हम आदि के स्कूल जा रहे हैं आज, और इतने दिन बाद फिर उसका वो जो बोर्ड का सर्टिफिकेट है वो आया, वो लेने जा रहे हैं। और फिर प्रिंसिपल मैम से भी थोड़ा मिलेंगे, उनको थैंक यू बोलना है, उन्होंने भी हमारा बहुत हेल्प किया है। तो 2 महीना हो गया उसके जाते हुए, अब आया सर्टिफिकेट, तो हम अब जा रहे हैं वो लेने, देखते हैं और क्या होता है। स्कूल पहुंच गए हम, अभी अंदर जा रहे हैं, प्रिंसिपल मैम से भी मिलेंगे और सर्टिफिकेट भी लेना है। हाँ, प्रिंसिपल मैम से भी मिल लिया और सर्टिफिकेट भी ले लिया, सब कुछ हो गया ठीक ठाक, मैम भी बहुत खुश हुई है, तो सब कुछ हो गया, अभी हम जा रहे हैं घर। आज मैंने एक चीज़ नोटिस की जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कि खाना जब गर्म गर्म होता है ना, तब जितने मज़े आते हैं, तो ठंडा होने के बाद उसको दोबारा गर्म करके या फिर बासी करके फ्रिज में रख के फिर गर्म करके खाने में जो मज़े हैं ना, अलग ही लेवल के होते हैं, खाने का स्वाद डबल हो जाता है यार। ये जितना अच्छा तब नहीं लग रहा था ना, अच्छा लग रहा है। फिर मैंने इसको बासी नहीं किया, पर हाँ ये ठंडा हो चुका था, मैंने इसको गर्म किया, घर में लाया, अब खा रहा हूँ, लाजवाब लग रहा है।